जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट 2022 के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इन फॉर्म को भर दिया होगा। अगर भर दिया है तो यहाँ पर मित्रों अवतार स्टडी 7054 के माध्यम से हम पेट एग्जाम की यहाँ पर क्लास करते हैं, तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो आज की पहली क्लास है भारतीय इतिहास के, हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। सभी लोग क्लास को एक बार मित्रों में शेयर करेंगे जिससे आपके मित्र भी क्लास में जुड़ सके मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग है मित्रों, इनके द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, आपने याद रखना है। इसी तरह के प्रश्न आपके पेट एग्जाम में, भारतीय इतिहास से प्रश्न जो बनेंगे वो इसी तरह के प्रश्न बनेंगे आपके पेट एग्जाम में। तो सभी लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें, और आज की पहली क्लास है तो सभी लोग शुरुआत से क्लास में ज्वाइन हों। क्वेश्चन नंबर टू है, सेन वंश की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की? आंसर कमेंट भी करते जाएंगे, क्लास को लाइक शेयर भी करेंगे मित्रों। सेन वंश की स्थापना की आपकी हेमंत सेन ने, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन के द्वारा आपकी सेन वंश की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? हेमंत सेन के द्वारा, ठीक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन की, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण प्रथम यह राष्ट्रकूट वंश का प्रथम राजा था, ठीक है, राजा था, और इसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, या फिर एलोरा के शिव मंदिर, क्या बनवाया था मित्रों? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एलोरा के जो शिव मंदिर थे मित्रों वह कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चार है, सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे। सही आंसर इसके गुप्त काल को, गुप्त काल को वल्लवी काल कहा जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की रुई अन्य रुइयों से सफेद है, अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, हीरोडोटस, मेगास्थनीज, या फिर अशोक का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, मेगास्थनीज का ये जो कथन था मित्रों, इन्होंने कहा था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ये मेगास्थनीज का कथन था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पेट एग्जाम में, आपके पेट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो 2022 की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए। यहाँ पर अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आज की पहली क्लास है भारतीय इतिहास की, तो सभी लोग क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़े, ठीक है, क्लास को मित्रों में शेयर करें जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड भी जुड़ सके। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था मित्रों, ये अंतिम मौर्य सम्राट था, आपने याद रखना है, अंतिम मौर्य सम्राट था। आगे बात करेंगे, अभिदम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? कथा वतु के बारे में किसने लिखा था? अभिदम में कथा वतु के बारे में किसने लिखा था? सभी लोग आंसर जो है कमेंट करते जाएंगे, अभिदम में कथा वतु के बारे में किसने लिखा था? सही आंसर इसका मोगली पुत्र तिसस, जो मोगली पुत्र तिसस थे मित्रों, इन्होंने क्या लिखा था? कथा वतु के बारे में इसमें इन्होंने बताया था, मोगली पुत्र तिसस, ठीक है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोत्रोमणि। सोत्रामणि जो है मित्रों, सोत्रामणि का प्रयोग किया जाता था इसमें, जो सोत्रामणि वैदिक काल था इसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था, आपने यह रखना है।
आगे बात करेंगे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, परुसरणी। जो परुसरणी नदी है मित्रों, इस नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। मित्रों 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, आपने याद रखना है, ठीक है, परुसरणी। अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सभी लोग आंसर जो है मित्रों कमेंट करते जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने स्टार बना लेना इस क्वेश्चन पे। सोमपुरी विश्वविद्यालय आपका स्थित है मित्रों, यह आपका स्थित है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। किसने? धर्मपाल के द्वारा सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, सोमपुरी, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने, चांदी, तांबा या उपयुक्त में से सभी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी। इन्होंने सोने के भी सिक्के चलवाए, चांदी और तांबे, यानी सभी के इन्होंने सिक्के चलवाए थे। किसने मित्रों? कुषाणों के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाणों ने निम्न में से कितने प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो सोने, चांदी, तांबे, यानी कुल 3 प्रकार के इन्होंने सिक्के चलवाए थे, ठीक है। आगे बात करेंगे, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 12 है और हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर मित्रों, तो यहां पर आपको बताना है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही आंसर इसका जगदल। जो जगदल है मित्रों, जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपकी रामपाल ने, रामपाल के द्वारा जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बात करें, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? जो महामाया थी मित्रों, ये किसकी माता थी? ये गौतम बुद्ध की माता थी, ठीक है, महामाया इनका नाम था। इनका वंश क्या था मित्रों, ये किस वंश से संबंधित थी? सही आंसर इसका कोलीय। जो वंश था इनका कोलीय वंश था, आपने याद रखना, कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, बल्लवी विश्वविद्यालय किसने विकास किसने बस बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? गोपाल, कुमार गुप्त, धर्मपाल या भट्टकर ने? सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 14 का है, ऑप्शन नंबर डी वाला, भट्टकर के द्वारा बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास कराया गया था, आपने याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? सभी लोग आंसर है कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास जो है मित्रों वह किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, सही आंसर इसका धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या कराया गया था? विकास कराया गया था मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से आपके प्रश्न यहां से बन सकते हैं, विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जो है मित्रों वह किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त या समुद्रगुप्त? सही आंसर इसका कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कराया गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे जल्दी से जल्दी, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हीनयांग, ठीक है, हीनयांग जो लोग थे मित्रों मूर्ति पूजा में क्या करते, विश्वास नहीं करते थे, हीनयांग। आगे बात करेंगे, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? सही आंसर इसका विनय पिटक। जो विनय पिटक है मित्रों, ये नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, आपने याद रखना है, नैतिक आचार संहिता, ठीक है, नैतिक आचार संहिता के बारे में आपका पिटक बताता है, विनय पिटक। आगे बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म की शिला कक्षाओं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? क्वेश्चन नंबर 19 है। सही आंसर इसका सूत पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सही है, सूत पिटक जो ग्रंथ है मित्रों, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है, अपने याद रखना है सूत पिटक। कौन सा मित्रों? सूत पिटक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के महायान पंथ का क्या हुआ था मित्रों? विकास हुआ था, आपने याद रखना है कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये थे मित्रों आपके इंपॉर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन, जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट 2022 की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर मित्रों हमने पेट की तैयारी जो है मित्रों स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी लोग मित्रों को भी ऐड करें, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।